सैकड़ों तालिबानी आतंकी पाकिस्तानी बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। सीधे मैं चाहूंगा स्टिल के साथ दिखाएं। कनाडा के पूर्व मंत्री क्रिस अलेक्जेंडर ने ट्वीट किए तस्वीरें, तालिबानी आतंकियों की तस्वीरों से पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ है। राहुल बगल में स्टिल शॉट दिखाएं। कनाडा के पूर्व मंत्री ने यह देखा, ये देखिए पाकिस्तान को बेशरम और झूठा कहा है। फुल फ्रेम पर दिखाएं ये शॉट जरा आपके सामने किस तरीके से क्रिस अलेक्जेंडर ने, ये देखें ये इंतजार कर रहे हैं, पाक पर बैन लगाने की अपील की है उन्होंने। ये कनाडा के पूर्व मंत्री है। मैं चाहूंगा इस शॉट्स के साथ, इस स्टिल्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ रोहित मौजूद है। रोहित, मैं कसवर भाई से इसमें सवाल नहीं पूछूंगा फॉर हिज सेफ्टी रीजंस, ब्रेकिंग और स्टिल्स के साथ। रोहित, व्हाट इज अमेरिका डूइंग? ये सब सामने दिख रहा है, कल हमने बहुत कुछ बताया, क्या कर रहा है अमेरिका? देखिए, कल जब नेट प्राइस से सवाल पूछा गया इस बारे में, उन्होंने बहुत आसानी से कह दिया कि हम एंगेज हैं पाकिस्तानियों के साथ और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वहां पे कि यू नो एक पॉजिटिव तरीके से उनका रोल हो। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक यू नो इट इज अ नोन थिंग निशांत, अमेरिका ने पूरी तरह से अबैंडन किया है अफगानिस्तान को। दे डोंट हैव अ स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड। देयर ओनली होप इज कि कहीं ना कहीं से कैसे भी करके तालिबान को एक पॉजिटिव रोल में जगह दी जाए। अगेन इट्स वेरी यू नो आई मीन आयरॉनिक कि 20 साल पहले जिस तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका आया था, आज अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उनको एक पॉजिटिव रोल के तौर पे सोसाइटी पे दिया जाए अफगानिस्तान में और जो वहां की बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी सहायता ली जाए। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन अमेरिका इज प्रीटी मच अबैंडन्ड अफगानिस्तान। जो बाकी की चीजें अबाउट मिलिट्री एड की जो हम बात कर रहे हैं या लिमिटेड एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए उससे कुछ नहीं होने वाला। जब आप 20 साल तक आपके ट्रूप्स के साथ हमें वहां पर अफगानिस्तान में थे, अब तब कुछ नहीं कर पाए, तो विद लिमिटेड एंगेजमेंट फाइनेंशियल एड आप क्या? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कनाडा का जो स्टैंड आ रहा है उसमें क्या लग रहा है आपको? वहां पर भी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। द ओनली कंट्री दैट इज कीपिंग क्वाइट इज इंग्लैंड आई गेस। एब्सोल्यूटली निशांत, नॉट ओनली कनाडा, आई मीन यू नो आई मीन देखिए बाकी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है, राइट, बैक चैनल्स, एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड अबाउट इट क्योंकि इट कुड पॉसिबली बिकम अ टेरर हब अगेन। लेकिन अमेरिका इज प्रीटी, अभी तो उनके कार पे जो है वो जू भी नहीं रेंगे बिकॉज दे आर प्रीटी डिटरमाइंड टू लीव अफगानिस्तान इन नेक्स्ट 20 इयर्स। अच्छा, मैं एक सवाल इससे पूछना चाहूंगा, इसी पर इससे मिलता जुलता। मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर है सर, आपसे जानना चाहूंगा दीपक सर, क्या ये समझा जाए कि आज की तारीख में ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये इसलिए इत्मीनान से बैठे हैं बिकॉज दे डोंट शेयर देयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान, इसलिए इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और इंग्लैंड तो इसलिए चुप है क्योंकि वो भी अमेरिका के चलते बच गया, बाहर निकल आया। ये आपने बिल्कुल सही, इट्स यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन योरसेल्फ। अफगानिस्तान के जो पड़ोसी हैं, जो पांच स्थान है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एक्सेट्रा, उन पे असर पड़ेगा, रूस पे असर पड़ेगा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे असर पड़ेगा, वीक उसके कारण चीन पे असर पड़ेगा, और फिर अगर हो सकता है कि पाकिस्तान की जो स्पेशलाइजेशन है आतंकी हमारे कश्मीर में भेजे तो हम पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका पर 2001 में असर पड़ा था, अटलांटिक ओशन भले ही बीच में था लेकिन ये हवाई जहाज से उड़ के वहां गए। अगर यूरोप सोचता है कि वो खुशी से बैठ सकते हैं क्योंकि उनका कॉमन बॉर्डर नहीं है, वही गलती कर रहे हैं जो 2001 में अमेरिका की थी और उसका परिणाम सब जानते हैं। आज के टाइम में कॉमन बॉर्डर होना जरूरी नहीं है सर, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, बहुत दूर तक ये जाके हमला कर सकते हैं और फिर यूरोप दौड़ा आएगा। जैसे 2001 में जब हमने कहा था कि पाकिस्तान इस्लामिक टेरर का हब बन गया, अमरीकी कहते नहीं 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 कुछ नहीं है, उसके बाद 2001 में हमसे बोले भाई साहब आप क्या कह रहे थे, अब तो बिल्कुल बजा फरमान सही कह रहे थे। वही यूरोप अब करेगा, आप देखेंगे सर। लेकिन एक ही तरीका है, वन सोल्यूशन, तालिबान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और अगर पाकिस्तान रोकने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान को भी इतना कमजोर बना दिया जाए थ्रू सैंक्शन जो अभी लगे हुए हैं कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। सीधा रास्ता उसको मालूम नहीं है, वो तो जन्म से ही झूठ बोलता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, जन्म से ही। जल साहब प्लीज गो अहेड सर, आई विल नॉट स्टॉप यू सर, प्लीज गो अहेड। नहीं, जो मेरे मित्र दीपक बोरा जी ने कहा उसी के आगे दो तीन बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान का जिक्र किया इन्होंने, पाकिस्तान को वीक कर दिया जाए। देखिए, पाकिस्तान इस समय कुछ समझ नहीं रहा कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि इमीडिएट इफेक्ट क्या होने वाला है। अगर इसी तरीके से वो आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा तो FATF में उसको ब्लैकलिस्ट में, दे विल ब्रिंग क्लोजर टू ब्लैकलिस्ट। अगर ब्लैकलिस्ट हो गया पाकिस्तान तो और बुरी हालत हो जाएगी इसकी, और ये जो इस समय हरकत कर रहा है वो इसको इससे रिलेट नहीं कर रहा, वो सोच रहा है ब्लैकलिस्ट मेरी सिर्फ भारत के साथ जो टेररिज्म चलता है उस पर होगी। जी नहीं, ये तो वर्ल्ड के संग टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ये तो इस समय पाकिस्तान बड़ा गलत खेल खेल रहा है। पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान डजंट नो व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू इन द लॉन्ग टर्म, नॉट इवन लॉन्ग टर्म, इन द इमीडिएट टर्म। दूसरी बात, आपने एक पुरानी बात कही थी दो तीन मिनट पहले कि अबाउट UN फोर्सेज। देखिए, UN फोर्सेज आर पीस कीपिंग फोर्सेज, they are not going to prevent the actual combat.
जब वहाँ पर अगर हालात बंद हो जाएंगे, लड़ाई बंद हो जाएगी और दोनों जो एनिमीज़ हैं, चाहे अफगान फोर्सेस की हों, चाहे तालिबान की हों और पाकिस्तान की हों, जब तक उनमें सीज़ फायर नहीं हो जाएगा, जब तक उस तरीके की हालत नहीं बन जाएगी, तब तक किसी कंट्री की भी यूनाइटेड नेशन फोर्सेज वहाँ नहीं जा सकती। यूनाइटेड नेशन विल नेवर सेंड एनी फोर्सेज टिल सीज़ फायर हैज़ बीन अचीव्ड। और एक और सवाल था आपका कि इन्होंने टीवी स्टेशन को कब्जा, जब भी इस किस्म की लड़ाई होती है, चाहे ये लड़ाई हो, चाहे किसी की टेक ओवर गवर्नमेंट की हो, जैसे मिलिट्री कूज वगैरह की बातें होती हैं, सबसे पहला टारगेट होता है कि रेडियो स्टेशन और टेलीविजन स्टेशन को पकड़ लिया जाए, जिससे कि आप पूरे में फैला सकें जी हमारा कब्जा हो गया, चाहे कब्जा आपका 100 by 100 गज में ही क्यों ना हुआ हो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट, सबसे पहला टारगेट किसी भी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि कम्युनिकेशन सेंटर को पकड़ लीजिए, वहां से सब। सर, मैं आपको जल साहब, मैं आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखा रहा हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।